नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विमल टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आपको सिखाने वाला हूँ आपको बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप बजाज फाइनेंस कस्टमर से सीधी बात कैसे करें, कस्टमर केयर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको गूगल से बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर नंबर आपको ढूंढना होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर, और यहाँ पे डिस्प्ले पर भी मैं बता दूंगा नंबर, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, आप जब फर्स्ट टाइम बजाज फाइनेंस में लॉगिन करते हो, तो फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो आप, तो बजाज कस्टमर केयर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेंगे। तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है और आपको फोन को कट कर देना है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ आपको डिटेल बोल देता हूँ। आप जब भी बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे, तो जो आप सुनना चाहते हो कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए, मतलब आपको कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 डब्बा है, वो लाइन आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगी। तो इसलिए कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप बजाज कस्टमर केयर में बात करोगे, तो हमारे कस्टमर अधिकार से बात करने के लिए 9 डब्बा है, वो लाइन आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगी, जो कि आप सुनने के लिए इंतजार करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर में कॉल करना है, और उसको बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेंगे। तो उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और फ़ोन कट कर देना पहली बार, ठीक है। तो पहली बार फ़ोन कट कर देना, और दूसरी बार वहीं सेम नंबर पे आपको कॉल करना है। तो दूसरी बार आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को नहीं बोलेंगे, और दूसरी बार आपको अपनी कस्टमर आईडी जीमेल आईडी एंटर करने को बोलेंगे। कुछ भी, मतलब जीमेल आईडी या बजाज फाइनेंस की आईडी है, वो आपको एंटर करने को बोलेंगे, ठीक है। तो एंटर करने के लिए 2 दबाइए, तो 2 दबा देना है, और 2 जैसे ही दबाएंगे तो आपको अपने बजाज की जो लॉगिन आईडी है, बजाज की आईडी है, वो लास्ट जो 4 डिजिट आते हैं, बजाज आईडी या लोन की आईडी, लास्ट के जो 4 डिजिट है, 4 शब्द जो भी है, तो वो आपको डायल कर देना है। तो उसके बाद सीधा आपको बोलेंगे हमारे कस्टमर अधिकार से बात करने के लिए 9 डब्बाए, या फिर हम आपको हमारे कस्टमर अधिकारी से बात करा रहे हैं। तो इस तरह से आपको सुनने को मिलेगा। तो इसी ट्रिक से आप बात कर सकते हो बजाज फाइनेंस कस्टमर से। तो पहले एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, आपको पहले कॉल करके लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो फ़ोन कट कर देना है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद, और दूसरी बार वापस लगाना है, और आपको अपने बजाज की आईडी के लास्ट 4 डिजिट डायल करने हैं, अपने बजाज की आईडी एंटर करने को बोलेंगे बाद में। तो बजाज की आईडी एंटर करना है लास्ट 4 डिजिट, तो उसके बाद आपको सुनने को मिलेगा हमारे कस्टमर अधिकारी से हम बात कर रहे हैं। इसी ट्रिक से आप बात कर सकते हो कस्टमर अधिकारी से। तो किस किस से बात हुई और किस किस से बात नहीं हुई कस्टमर केयर अधिकारी से, तो वो कमेंट में बताएगा, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और सॉल्यूशन दूंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना किस किस से आपकी बात हो चुकी है कस्टमर कैसे, मेरी ट्रिक से कौन कौन बात कर चुका है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।